नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभाव में दोस्तों चार तारीख को एमसीडी इलेक्शन है और हम सभी को वोट देना है सभी को वोट जरूर देना है ऐसे में कुछ लोगों के पास उनकी मतदाता पर्ची नहीं आई है तो वो लोग किस तरह से वोट दें इस समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में तो वीडियो को देखना है बहुत छोटी सी वीडियो है अब हम घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से अपनी मतदाता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद हम भी हिस्सा बन सकते हैं वोट डालने की मुहिम में क्या तरीका है वो वेबसाइट भी मैं आपको खोल करके बताऊंगी किस तरीके से हम जाएंगे क्या तरीका है अपनी मतदाता पर्ची को डाउनलोड करने का लेकिन उससे पहले अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह से और वीडियोस को बनाने के लिए तो आप लोगों को क्या करना है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम अगर आपको चाहे चेक करना हो या वोटर स्लिप को आपको डाउनलोड करना हो तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनल सर्च डॉट इन की साइट पर जाना होगा साइट ये रहा इलेक्ट्रोल सर्च डॉट इन इस साइट पर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी वोटर स्लिप निकाल सकते हैं जिसके दो तरीके हैं एक के अंदर आप अपनी जानकारी को मैनुअल भर सकते हैं और दूसरा एपिक नंबर डालकर आप अपना जो पर्ची है या अपना वोटर लिस्ट में नाम है उसको देख सकते हैं अब एपिक नंबर क्या होता है तो जो आपका वोटर आईडी कार्ड है वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर होता है उसी को हम एपिक नंबर बोलते हैं यदि आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो विवरण द्वारा खोज कर सकते हैं यानी कि सर्च बाय डिटेल्स अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपनी दूसरी जानकारियों के आधार पर अपना जो है पर्ची मतदाता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं अपना नंबर देख सकते हैं यदि आपके पास वोटर आईडी क्रमांक संख्या है तो आप सर्च बाय एपिक नंबर से नंबर पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स जो भी आपसे मांगी है उसको बिल्कुल सही से भर देंगे जैसे आपका नाम पति या पिता का नाम उम्र राज्य जिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इस तरह की जानकारियों को आपको सही से भरना होगा उसके बाद आप अपना वोटर आईडी नंबर डाल देंगे राज्य का नाम डाल देंगे जो भी एक कैप्चा कोड एक कोड दिया गया होता है उस कोड को जैसा लिखा होता है उसको वैसे ही भरना पड़ता है और उसके बाद गूगल सर्च इंजन पर हम लोग ऐसे क्लिक कर देते हैं उसके बाद हमारे जो सुझाव हैं मिलते जुलते हमारे सामने आ जाते हैं तो उनमें से हमें जाके ढूंढना होता है कि हम कौन से हैं तो आप उसकी व्यू डिटेल चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह बाकी सब चीज़ें चेक करेंगे उस आधार पे आपको पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी है और फिर जब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी तो आप उस पर क्लिक कर देंगे एक नई विंडो आपके पास खुलेगी उस पर एक वोटर स्लिप दिखाई देगी जिससे आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट के लिए कमांड दे सकते हैं यदि आपके पास प्रिंटर है तो अदरवाइज बाहर जा कर के आप उसको निकलवा सकते हैं अब इसको हम देखेंगे इसकी साइट पे जाकर ये तो था तरीका अब इसको हम करके देखते दे हैं तो आपको अपने मोबाइल में गूगल पर चले जाना है और वहाँ पर आप जा डालेंगे इलेक्टोरल एक मिनट मेरे को नेट ऑन करना होगा इलेक्ट्रोलर सर्च डॉट इन ये आ गया वेबसाइट का होम पेज ठीक है अब इसके अंदर क्या चीजें हैं यहाँ पर दो विवरण द्वारा खोज ठीक है विवरण द्वारा खोज पे जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको विवरण के द्वारा खोज करनी होगी और ये सारी डिटेल को यहाँ पर भरना होगा जैसे नाम पति या पिता का नाम आपकी एज आपका जेंडर स्टेट डिस्ट्रिक्ट विधानसभा है ना और फिर ये वाला ये जिसकी मैं बात कर रही थी इसको बोलते हैं हम कैप्चा फिर इस कैप्चा को हमें ऐसे डालना होगा और डालने के बाद फिर हम ये जो आपको यहाँ पर सर्च दिख रहा है इस सर्च बटन को दबा देंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स खुलेंगे उसमें से हमको खुद को ढूंढना है अब दूसरा है पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोज एपिक नंबर से मतलब अगर आपके पास सीधा सीधा सा आपका कोई वोटर कार्ड है वोटर कार्ड नंबर है तो आप सीधा अपना एपिक नंबर डालेंगे स्टेट डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे सर्च करेंगे तो आपके एपिक नंबर से आपका वोटर लिस्ट में क्रमांक और मतदाता पर्ची डाउनलोड हो जाएगी तो ये दो तरीके हैं जिससे हम अपनी मतदाता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं तो सभी को वोट जरूर डालना है वीडियो आपको अगर मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर करना है